वंदना भगवान गणेश की वंदना के बाद मैं निवेदन करूंगा श्री कपिल राजा जी से दोनों को पटका पहनाकर सम्मानित करें। श्री संजीव वार्ष्णेय जी श्री सुधीर कुमार जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। और आप सभी अपने हाथों को कष्ट देते हुए तालियों से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गोविंद किशोर जी श्री सिद्धांत वार्ष्णेय जी का सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा श्री प्रशांत जी से विभो और श्री तेजेंद्र गुप्ता जी दोनों मिलकर रामचरितमानस भेंट करें। श्री वीरेंद्र कुमार जी और मुकुल शर्मा जी राम दरबार का चित्र भेंट करें। आज की इस कठिन काल की लीला में आपके और आपके परिवार ने आज की लीला के प्रायोजन से हमें कृतकृत किया है। हम और पूरा रामलीला नाट्य परिषद परिवार आपके पूज्य पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। Shri Ram, Shri Ram,
जिनके कारण आज हम इस लीला का मंचन कर पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आपका अदम्य साहस आज इस रंगमंच पर रामलीला का चित्रण लेकर आया है। निवेदन करूंगा हनी चंद्रा जी से, वो भी आज सम्मान ग्रहण करें। सम्मान समारोह हम हमारी अपने तीनों महानुभावों के, जिन्होंने आज ये अवसर हमें दिया है और आप सभी को रामलीला। अच्छा जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, हो जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय कैलाश पति शिव शंकर, जय कैलाश पति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला भंडारी, हो जय भोला भंडारी शिव हरि, जय भोला सुमरे मंत्र तुम्हारा, इस दिन तेरा ध्यान धरे हम, सुमरे मंत्र तुम्हारा, हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट की निंद्रा से जागो, दासी के प्राण आकुल हो उठे हैं नाथ, कब से मेरे कान गलाऊ की तरह, विरह की निरस्ता अब नहीं सही जाती, प्राणेश्वर अब नहीं सही जाती। मुझे अलौकिक लीला से नेत्र खोलो, तुम्हारी पुकार मुझे अलौकिक लीला से खींच कर लाई है। कैसी अनुपम छवि थी, कैसा सुंदर दर्शन था। और मैं दूर दूर तक बिखरी इन नीरस पतली श्रृंखला में व्याकुल घिरनी सी भटकती रहती हूँ, भटकती रहती हूँ। इतनी व्याकुलता का कारण जानते हुए भी भोले बन रहे हो भोलेनाथ, जल से दूर रहकर क्या मछली का जीवन सती। तुम्हारी व्याकुलता हम समझ गए, किंतु व्यवस्था है सर्वत्यागी काम जय शंकर, कामदेव की कठोर संकला में जकड़ नहीं सकता, तपस्या के परमानंद के आगे सांसारिक सुख छीण है। नहीं भोलेनाथ, अनंत कामदेव आज भी सारी सृष्टि को विचलित कर रहा है, तपस्या के नीरस वातावरण ने आपको ऐसा बना दिया है कि आप पत्नी के
व्याकुल हृदय की पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहे। तुम्हारे अद्भुत तर्क के आगे हम त्रस्त हैं सती। आज इसी प्रकार हमारे प्रभु भी भगवती लक्ष्मी के आगे त्रस्त हो गए। वो तो हो गए भगवान, रमापति भी अब तक के अवतारों में उनसे अलग ही रहे हैं। भगवती लक्ष्मी जी का पिछोड़ के वह दिन बिताने कितने कठिन पड़े होंगे ये तो वह जाने। आज भी यही हुआ, प्रभु राम रूप में प्रदीप का अवतार लेना चाह रहे थे। लक्ष्मी जी साथ जाने की रही थी। राम रूप में पृथ्वी पर अवतार कारण राक्षस राज रावण के अत्याचारों से पृथ्वी के प्राणी और स्वर्ग के देवता अकुल आ गए हैं, इसीलिए अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र बनकर जाना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? रमा और रमापति के विवाद में बेचारे नारद की बलि चढ़ गई। नारद की बलि क्यों? नारी का महत्व दिखाने के लिए भगवती लक्ष्मी नारद का उपयोग कर रही थी। नारद को अपने तपोबल पर अभिमान दिखाता अब सारा अहंकार हो जाएगा। नहीं सती, मैं नारद की रक्षा करूंगा। आप नारद की सहायता करोगे तो मैं भी लक्ष्मी जी की सहायता करूंगी। तुम अबला बेचारी कैसे लक्ष्मी जी की सहायता करोगी? मैं अबला होते हुए भी कितनी सबला हूँ ये आप भूल रहे हैं भोलेनाथ। यदि आप आदि देव है तो मैं भी आदि शक्ति हूँ। आदि शक्ति? हाँ देव, आदि देव। हेलो हेलो, नारायण 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 नारायण।
इक्मा के दो पुत्र, एक चक्रवर्ती सम्राट और भिखारी शिष्यों, शिष्यों सोच लो, विश्वपूर्ण विश्व में जाओगे या परम आनंद से भरे भक्ति बात पर, जिसमें कल्याण ही कल्याण है। नारायण नारायण। गुरुदेव, हमने तो आपके चरण पकड़ लिए हैं, अब हम विश्व के विस्तार अध्याय में नहीं डूबेंगे, भक्ति के दिव्य प्रकाश में अपना कल्याण देंगे। तो बताए हुए मार्ग पर चलो, तुम्हें परमात्मा में लीन करा दूंगा। किंतु किंतु क्या गुरुदेव, हमारे ही भाई दक्षराज हमारे ही मार्ग में विघ्न डाल रहे हैं, हमारा लक्ष्य और उनका लक्ष्य राज, वे चाहते हैं कि सारी सृष्टि उनके मोहमाया में। मैं जानता हूं कि बहुमूल्य मानव शरीर पाकर प्राणी अपना कल्याण करे। नारायण नारायण। संसार की विस्तारता को जानते हुए प्रजापति क्या कर रहे हैं? यही तो आश्चर्यजनक बात है, आज विश्व का प्राणी कितना सुखी है ये क्या जाने। ये बढ़ती हुई सृष्टि इस पृथ्वी पर कहां समाएगी? अन्य व्यवसाय और धन की चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। तब मानव मानव पर अत्याचार करेगा, कण-कण पर विवाद होगा, भयंकर युद्ध होंगे, स्त्रियां विधवा होंगी, संतानें अनाथ होंगी। नारायण नारायण। उत्पाद इतने इतना इतना ही नहीं, पेट भर अन्न और तन ढांकने के लिए वस्त्रों की चिंता में माँ अपनी संतान बेचेगी, पिता अपनी युवा पुत्री को तनाभाव के बुढ़ापे के हाथों बेचेगा, अकाल काल बनकर सारी सृष्टि को जरसेगा। ऐसे जीवन से क्या लाभ जिसका परिणाम कीड़े मकोड़ो। बोलो शिष्यों। किंतु गुरुदेव, भक्ति तो गृहस्थ के संसार में रहकर भी हो सकती है। भजन तभी हो सकता है जब मन निश्चिंत हो। गृहस्थ को परिवार की चिंता रहती है, धन की लालसा, पद का मोह, छल प्रपंच राग द्वेष के संघर्ष की चक्की में प्राणी इतना पिसता है कि वह यौवन में ही वृद्ध लगने लगता है। यौवन में लालसाएं घेरे रहती है और अवकाश लेकर बुढ़ापा आता है और वह सारी आयु रोगशैया पर ही नष्ट हो जाती है। तब वह अपने ही स्त्री पुत्रों द्वारा त्रस्त प्राणी छटपटाते हुए रोगशैया पर ही दम तोड़ देता है। हमने तो निश्चय कर दिया है गुरुदेव, अब हम सांसारिक बंधनों में न फंसकर भक्ति और तपस्या के अमृत जल का पान करेंगे। नारायण नारायण। तो आओ मेरे साथ, देखो देखो सामने कितनी सुंदर हिमा है। विश्व की शांति राज रानी बनकर अपनी राजधानी में बैठी है। झरनों का मीठा जल, कंद मूल और फल, माँ प्रकृति कितनी उदारता से अपनी संतानों को दे रही है। सूर्य निकलता है तो बर्फ पिघलती है और चंद्रमा के साथ ही जमती है। ये सारे विश्व को प्रेरणा देती है कि प्रभु के प्रेम में पिघलना और उन्हीं के ध्यान में जमना सीखो। नारायण नारायण। हम तो यही गुरुदेव, हम तो यहाँ पर सीताराम जय सीताराम सीताराम जय।
वीडियो में लाइक कर दो, अभी तो मैं स्टिल सीख रहा हूं। नृत्य आरंभ किया जाए। देवराज विलंब कैसा? अभी देवराज क्या हुआ अप्सराओं का? महाराज वो शीघ्र ही उपस्थित होंगी। अच्छा अप्सराएं प्रकट हो।
चलेगी शंकर रसूल तोली तोरणी भी तो सराम त्रिपीता गुरु शंकर जमालयानी बद्ध जाट चूता कक्षी गई चिराव्य जायताम चकोर बंधु शेखर नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुकुनिशीलिनी तम प्रबंध बद्ध कंदर निरंतनोतु कृति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्गुरु नारद आपके पुत्र हैं श्राम दाम दंड
क्योंकि नारद नारायण की भक्ति और तपस्या का प्रचार कर रहा है। ऐसी अवस्था में हम नारद से लड़ नहीं सकते, केवल विनती कर सकते हैं। विनती? विनती वे करते हैं जिनके पास शारीरिक बल और बुद्धि नहीं होती। इतनी सी बात के लिए मैं नारायण से सहायता नहीं लूंगा। तो प्रस्ताव में दक्ष पराजय का बोल दिए नारायण के विरोधी कहलाओगे। लेकिन पिताजी, जब सृष्टि नहीं होगी तो पालन किसका करेंगे? यही तो तुम्हारी भूल है दक्ष। कल कल की चिंता करने वाले वे सब अभी इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। वे अवश्य ही इसका उपाय कर रहे होंगे। तुम निश्चय रहो, सृष्टि रचना में ना बाधा आई है ना आएगी। आयु प्रजापति, प्रणाम देवराज, कहिए क्या क्या है? मन्मथ, आज तुम्हें फिर हमारे सिंहासन के लिए एक कार्य करना है। देव ऋषि नारद की तपस्या को जगाकर उस ब्रह्म ज्ञानी की माया को महारानी की चरणों में झुकाना है। किंतु देवराज, देव ऋषि से टकराव समर्थ मुझ में नहीं है। मैं पहले ही देवादि देव महादेव की तपस्या में विघ्न डालकर अनंग हो चुका हूं। नारद इतने बड़े तपस्वी नहीं हैं। मैं अपनी संपूर्ण शक्ति भी तुम्हारे साथ लगा दूंगा। जो आज्ञा प्रजापति, यदि आप रक्षार्थ मेरे साथ हैं तो मैं देव ऋषि नारद की तपस्या को अवश्य ही टिका कर रखूंगा। प्रणाम। न्यास के बीच युद्ध होगा, देखना है कौन विजयी होता है। साधना रात का प्रेम है।
परास्त हो गया। आज यह सिद्ध हो गया कि तपोवन के आगे सारे बल तुच्छ हैं। अब तो नारायण श्री ही इस समस्या को सुलझाएंगे। निश्चय आप महान क्षमा करें मुनिराज, मार स्वयं ही मार खा चला हार कर आज। गुरुदेव, आपने काम देव को जीत लिया। गुरुदेव, आपने काम देव को जीत लिया। गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। क्या कहा? काम देव को जीत लिया। नारायण नारायण, मैं काम जीत हो गया, काम जीत हो गया। तपस्या की सब शक्ति हो मैं जाकर मेरे बताए हुए मार्ग का प्रचार करूं। इतने में त्रिदेव के पास जाकर काम जीत की पदवी ग्रहण करता हूं। नारायण नारायण। काम जीत थे और अब मैं भी काम जीत हो गया। नारायण नारायण। ब्रह्माणी ब्रह्मा के संग है, शंकर के सात भवानी है, नारायण के चरणों में भी लक्ष्मी से सुंदर नारी है, रति का देव की पत्नी है, सचि इंद्र देव की प्यारी है, इन सब में नारद ही तो है जिनको ये अप्रिय नारी है। नारायण नारायण। अरे ये क्या, पिताजी तो स्वयं इधर पधार रहे हैं, ये लोग सारे बिना प्रयासी पूरे होते जा रहे हैं। नारायण नारायण। पिताजी के चरणों में काम जय नारद का प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भाव, काम जय, क्या तुमने कामदेव को जीत लिया? हाँ पिताश्री, मैंने कामदेव को जीत लिया, इसीलिए तो काम जीत की पदवी लेने आपके पास आ रहा था। निश्चय ही तुमने मेरा सम्मान बढ़ाया है पुत्र। आपका ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का गौरव बढ़ाया है मेरे पिताश्री। तुम ठीक कहते हो नारद, तुम्हारी तपस्या और संयम ने सारे देव लोग को ऊंचा उठाया है। तभी तो मैं आपसे काम जीत की उपाधि चाहता हूँ पिताश्री। संपूर्ण त्रिलोकी में जो कार्य भोलेनाथ करते और कोई नहीं कर सका, मैंने कर दिखाया है। ठीक कहते हो नारद, किंतु सृष्टि का कार्य त्रिदेव द्वारा ही चलता है, इसीलिए नारायण महेश और हम तीनों की सभा होगी, तभी तुम्हें काम जीत की पदवी मिल सकेगी। किंतु मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो सकेगी पिताश्री, मैं स्वयं ही भगवान शंकर और भगवान विष्णु के पास जाता हूँ। जब पदवी लेनी है तो प्रयास भी करूँगा। नारायण नारायण। नारद नारद पालूंगा मैं आसानी से।
नहीं जान पाए, लड़ती है माया ज्ञानी से। नारद कहे, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है तेरी आवाज के बारे में कुछ मत कहा कर, लेकिन तू मानता ही नहीं। देख और किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया ना तो मारते मारते कमूरा बना दूंगा। देख हेलो 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 वरना आम चूर बना दूंगा। हेलो अरे 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 हेलो बोल बेटा मेरे। हेलो हेलो तो सचमुच लड़ने लगा। हेलो मेरी और देख ये सब है भांग घोट कर पीने का है लड़ने का नहीं। ला अपनी गुस्सा मुझे दे दे, मैं उसे भांग के साथ घोट देता हूँ। अगर मैंने अपना गुस्सा तुझे दे दिया ना तो ये मत समझना मेरा पैर बाप कम हो जाएगा, तेरी सात पीढ़ियों का पेट गड़बड़ हो जाएगा। क्या रहा हूं भाई? अच्छा ये बात छोड़, हाँ भाई तुम्हें घोड़ने का दरवाजा राम बाग जानते हो हरी बूटी के सेवन से थोड़ी आप चालू है हरी हो जाती है। और फिर भी ना पीने वाले इसे बहुत बुरा बताते हैं। अरे पकने दो, कौओं के घोंसले से कहीं शोर मरता है। हमारे भोलेनाथ महादेव बने हुए हैं और एक कवि ने तो यहाँ तक कहा है, ज्ञान में नारद ज्ञान में सारद सील में सागर रूप में रानी काम में तख्ती भाती में सारद मानवेंद्र समान कुमारी नींद में घोड़ा भूख में बकरी मान में गंधर मोगी रानी मस्ती दायक मोक्ष दायक गंग तरंगी भंग भवानी गंग तरंगी भंग भवानी। और ना पीने वाले क्या कहते हैं मालूम है? क्या कहते हैं तो सुन, जंग करे तो जंगी संग रहे तो संगी वेद शास्त्रों में साफ लिखा है भंग पिए तो भंग। बोले तब बोले अरे बेटा अगर महादेव के सुन लिया ना तो श्राप देकर भस्म कर देंगे। बेटा तंबूर अभी तू अनुभवी है, मैंने संसार देखा है और जो एक वस्त्रधारी होती है ना हेलो हेलो काले नागों और जो हेलो ना पीने की सौगत खाती है वह आड़ में कर लेते हैं। शपथ लेने वाले बहुत हमने देखे हेड ऑफ कि छूते डरेंगे अगर सामने आ जाए तो कह उठेंगे जरा सी पिएंगे जरा सी। अरे वाह बेटा तू तो बड़ा ज्ञानी निकला, चल घोटने पे लग जा नहीं तो ढेर हो जाएगी। मित्र का मूर जब तक मैं भांग घोटू तब तक तू कोई प्यारा सा गीत सुना दे। गीत ना भैया अपने बस्ती बाद में आए तू वा मैं भांग घोटता हूँ। अच्छा है हेलो मैं सुनाता हूँ। अच्छा ये पता गीत जो होता है और जो दो आदमी मिलकर गाते हैं वे क्या चौपाया होता है? हाँ मिलता यही बात है इस संन्यास में करता है बिगा हो जाए तो दोनों समय पकी पकाई मिले सांझ होते ही मैं घर पहुंचू तब तो मरवाड़ी में गए। प्रियतम तुमने तो आने में बड़ी देर लगा दी, प्रतीक्षा करते करते मेरे तो नहीं सूख गए। अरे जा जा तू जैसे गोवर गणेश को कौन मित्र बनाएगा, कोई दूसरा मित्र बनाकर सात कन्नी काट देगी तब तू किसी सूखे पेड़ के नीचे गाना गा रहा होगा। आजा लौट के आजा मेरे मीत तुझे तेरे पुआ लग बुलाते हैं। तू हर समय दिल तोड़ने वाली बात करता है, जा मैं गीत नहीं सुनाता मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। अरे मेरे गीत अरे मेरे और जाता है तो जा जाता है तो जा इतना करता जा। अरे परसों पुरानी यारी का तू भुलता कर जा जाता है तो जा और इतना करता जा परसों पुरानी यारी का तू भुलता कर जा
करो। ऐसा क्यों देवी? आप तो हर समय भोले ही बने रहते हो प्रभु। इंद्र द्वारा भेजा गया कामदेव, जब आपके कारण नारद के पास से पराजित होकर लौट गया। जब नारद अपने तपोबल का कारण समझ कर स्वयं को कामजीत मानने लगे और अब कामजीत की उपाधि लेने आपके पास आ रहे हैं। इसमें नारद का कोई दोष नहीं है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी के विवाद में वो बेचारा परोपकार में मारा गया। अभी तो भगवती लक्ष्मी और भी बहुत कुछ करने वाली हैं। माया नगरी का निर्माण करके नारद के ब्रह्मचर्य की परीक्षा होगी। कुछ भी कहो देवी, भक्त को भगवान ना जाने कितनी कसौटियों पर कसते हैं, उसके बाद वो निकला हुआ सोना होता है। लेकिन परीक्षा के समय में भक्त की सहायता स्वयं प्रभु करते हैं और अपने भक्तों के पांव कभी डगमगाने नहीं देते। अब देखना है देवी विजयी होती है या देख। नारायण नारायण, भवानी शंकर के योग चरणों में नारद का प्रणाम। कल्याण हो। कहो नारद जी, सब कुशल से तो है? जिस पर आपके श्री चरणों की कृपा हो कुशलता उसकी चेहरी बन कर रहती है महादेव। अब आज की घटना को ही ले लीजिए, पदलोलुप इंद्र का भेजा कामदेव हिम गुफा पर आया जहां मैं तपस्या में लीन था। उसने आकर बड़े प्रपंच किए, बड़ी माया दिखाई, बास ना के नृत्य कराए, किंतु मेरे तपोबल के आगे सभी बेकार हो गए और वह परास्त होकर चला गया। नारायण नारायण। ये तो बहुत अच्छा हुआ नारद जी। हाँ मातेश्वरी, अब तक कार्य भोलेनाथ के अतिरिक्त तीनों लोकों में और कोई नहीं कर सका, वह मैंने कर दिखाया। वास्तव में सम्मान योग्य गौरवपूर्ण कार्य किया है आपने। हाँ मातेश्वरी, त्रिलोकी में गौरव का कार्य किया है हमने, अब होगा तीनों लोकों में, बस मेरा ही नाम जीता है मैंने काम को, तप करके निष्काम। नारायण नारायण। तो आपको कोई ऊंची पत्नी मिलनी चाहिए। आप सत्य कहती है मातेश्वरी, ताजी तो सहमत है, यदि भोलेनाथ भी सहमत हो जाए तो मेरा कहां मन जाए। नारायण नारायण। मैं सहमत हूँ नारद जी, किंतु 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 क्या प्रभु? ब्रह्मा जी और उससे चर्चा की, वो तो ठीक किया, परंतु भगवान विष्णु से ना कहना। कारण? कारण स्पष्ट है नारद जी, है पिता तुम्हारे क्षमाशील, अकेला सी भी बोला है वह है तो केवल हरि का है। उस हरि ने हर हेतु टटोला है, उस नटनागर को मौज थी तो लीला ही दिखला देंगे। तुम बनते हो जा काम जी, जाने तुम्हें क्या क्या बना देंगे। नारायण नारायण। अरे काम जीत बनता हूँ, मैंने अपने तपोबल से उसे जीता है, इसीलिए मैं काम जीत बन रहा हूँ। आप सहमत रहिए बोले ना, मैं शीघ्र ही से काम जीत की पदवी प्राप्त कर लूंगा। नारायण नारायण। सत्य है
नारी के आगे सारा ब्रह्मांड झुका है, जो काम ना कोई कर पाए, नहीं वो जग में कटारी से हो, जग में बहुत दुर्लभ काम एक कोमल नारी से हो। निकला है अक्षर के बालू में से तेल, काम समझ सकता है वाला नारायण के खेल। के साथ साथ हृदय में भी हलचल हो रही है। हलचल और आपके हृदय में जरूर किसी भक्त पर विपत्ति आई होगी। हाँ रमा, तुम्हारे एक साधारण से विवाद ने मेरे नारद को कुछ का कुछ बना दिया। जो नारद अहंकार, काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर था, आज इन पांचों ही दैत्यों के चंगुल में फंस चुका है। अब तो आप मानेंगे ना प्रभु कि सृष्टि में नारी की कितनी महत्वता है। तुम भूल रही हो देवी, मानव मन की भावुकता नारी के सौंदर्य और कोमलता के आगे स्वयं ही जानबूझकर नत हो जाती है। स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलिए, इस सत्य को तो स्वीकार किया आपने। अरे देवऋषि नारद चले आ रहे हैं। नारायण नारायण, रमा और रमापति के चरणों में दास का प्रणाम। कल्याण हो। आज तो आपने बहुत दिनों में दर्शन दिए। अब आपसे क्या छुपा है सर्वेश्वर, हिम गुफा में आपकी तपस्या में लीन था, वहाँ मैंने पंची काम देव को अपने तबोल से परास्त कर दिया। नारायण नारायण। कामदेव को? हाँ मातेश्वरी, इसीलिए तो प्रभु से कामजीत की पदवी लेने आया हूँ, तभी तो का सिरमौर बनूंगा। नारायण नारायण। परंतु नारद जी, देवों के सिरमौर तो महादेव जी हैं। अब नारद और महादेव की क्या क्षमता मातेश्वरी, आपको ज्ञात होगा कि सागर मंथन के समय बेबी मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए थे नारायण नारायण। वह मोहिनी कौन थी मुनिराज जानते हो? कामदेव को जीतना सरल है, परंतु मोहिनी को जीतना कठिन है। तो क्या आपको मेरी जीत पर विश्वास नहीं? विश्वास तो है देवऋषि, परंतु जो कहते हैं वह करते नहीं और जो करते हैं वह कहते नहीं। मैं श्री हरिचरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने ही काम जीता है। और मैं भी इन्हीं चरणों के पल पर कहती हूँ, कामदेव को जीतना टेढ़ी खीर है। जिसने जीवन में आज तक जीते कामनी और कंचन है, यह वह प्रज्वलित पलीते हैं जिनसे जल जाते जीवन है। आप तेरी बात ही मानती? कैसे मान लूं मुनिवर, मानने की हो तब ना। अच्छा यह बताइए, तपस्या करते समय आपके ध्यान में कौन था? प्रभु के अतिरिक्त और कौन होगा मातेश्वरी? तब तो क्षमा करे मुनिराज, कामदेव को आपने नहीं प्रभु ने जीता है। नहीं, मैं जीता है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है, उसी के बल पर मैंने कामदेव को जीता है। तो फिर उसका अभिमान क्यों? अभिमान अभिमान झूठा नहीं है मातेश्वरी, एक कठिन कार्य किया है, शांत तो नहीं। मान लो देवी मान लो, नारद ने ही कामदेव को जीता है। कैसे मान लो प्रभु, यदि इन्होंने कामदेव को जीता है तो इन्हें कामना रहित हो जाना चाहिए, फिर पत्नी की इच्छा क्यों? स्पष्ट है
इन्हें देवों में प्रधानता की लालसा है, यश की भूख है, ये ब्रह्मांड में स्वयं को पुजवाना चाहते हैं। जिन प्रभु ने जीता कामदेव, उन्हें ना गर्व प्रभुताई का, ये बनकर घड़े पीटते हैं डंका स्वयं बढ़ाई का। नारायण नारायण, जब का मैंने किया है डंका पीटने में क्या चोरी? यदि आपको पदवी नहीं देनी है तो मत दीजिए, मैंने काम को जीता है, मैं काम जीत हूँ। एक दिन सारा संसार आने बाद इतिहास मुझे काम जीत नारद का गाएगा त्रिलोक के सब। अब से यही गीत काम जीत नारद हुआ, काम देव को जीत नारायण नारायण। देवी नारद का विमान शिखर पर पहुंच चुका है, अब इसका पतन भी आवश्यक है, अब इसका निवारण तुम ही करो देवी। आज्ञा दीजिए प्रभु। नारद जिस मार्ग पर गए हैं, तुम उस पर एक माया नगरी की रचना करके तुम स्वयं उसमें विश्व मोहिनी बनकर नारद के अभिमान का खंडन करो। जैसी आज्ञा स्वामी। नारायण नारायण। काम जी नारद के चरणों में शील निधि का प्रणाम। नारायण नारायण। कल्याण हो राजन, हम विश्व प्रेमण करते हैं किंतु आज नगर को तो आज ही देखा है ना इस नगर का। मुनिराज ये सील नगर है और मैं इस राज्य का राजा हूं। नारायण नारायण। सचमुच ये है, यहाँ विद्वानों और तपस्वियों की मान्यता है, पूजा है। प्रभु आसन ग्रहण कीजिए, अयो भाग्य हमारे जो आपने आकर इस कुटिया को पवित्र किया। विराजिए महाराज। एक कृपा और कर दीजिए। कहो राजन। मुनिराज आप तो त्रिलोक में भ्रमण करते ही हैं, देवता यक्ष गंधर्व नाग और मनुष्य में से श्रेष्ठ वीर पुरुष को जानते ही होंगे। ये मेरी पुत्री विश्व मोहिनी है। इसकी हस्त रेखाएं देखकर बताइए ये किसका वरण करेगी। अवश्य राजपुत्री, हमारे पास आओ। संकोच ना करें, इनकी हस्तरेखा देखकर बताइए। पुत्री संकोच मत करो, मुनिराज को अपनी हस्तरेखा दिखाओ।
फिर वो आप मौन क्यों हैं? क्या लिखा है मेरी पुत्री के भाग्य में? सुंदर, अति सुंदर, अनुपम, एक एक रेखा आदित्य और निरुपम है, एक एक कण विधाता ने अपने हाथों से रचा है। कितना भाग्यशाली होगा वह पुरुष जिसे ये कन्या बनेगी। नारायण नारायण। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, कृपा करके बताइए इसका वरण कौन करेगा? इसकी सौभाग्य रेखा बता रही है कि इसका पति भगवान विष्णु सा तेजस्वी और यशस्वी होगा। जिस महल में ये जाएगी वहां सोने के दिन और चांदी की रातें होंगी। नारायण नारायण। धन्य हो प्रभु, आपने मेरी बहुत ही भारी चिंता दूर कर दी। आज इसका स्वयंवर है, कुछ ही समय में अतिथि आने ही वाले होंगे। आप भी स्वयंवर की शोभा बढ़ाएं। हम तो रमते योगी हैं, एक स्थान पर ठहरना हमारा कार्य नहीं, किंतु यदि तुम कहते हो तो तुम्हारे उत्सव में तो अवश्य ही सम्मिलित होंगे। नारायण नारायण। मुनिराज, मुझे अतिथियों के स्वागत के लिए जाना है। आप जब तक जलपान करें और मुझे कृतार्थ करें। कोई बात नहीं राजन, जाओ तुम जाकर अपना कार्य करो, तब तक हम यहीं बैठे हैं। नारायण नारायण। दास की नैया है, तुम केवट बनकर करियो पार। हे दीन बंधु, हे दीन सिंधु, अपने जन पर करियो उपकार। हे प्रभु मुझे दर्शन दो, हे प्रभु मुझे दर्शन दो। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवान, कृपा सगल भगवान। क्षीर सिंधु गबुने मुनि नाथा, जवाब के श्री क्या क्या। भगवान, मैंने आपकी आज तक काम सेवा की है, कभी ना मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता। मांगिए मुनिवर, क्या इच्छा? जो इच्छा मांगिए। प्रभु, सन्यास से ऊंचा ग्रस्त है, मैं भी सन्यास को तिलांजलि देकर ग्रस्त में प्रवेश करना चाहता हूँ प्रभु। अच्छा समझा, तो आप रुद्राक्ष के स्थान पर पुष्प मालाएं होंगी और जटाओं के स्थान पर घनेरे केश होंगे, पीड़ा पर युगल फिरों की उंगलियां नृत्य करेंगी। सर्वेश्वर, बिना नारी के नर आधा है और ये नारद भी आधा रहकर जीना नहीं चाहता प्रभु। तो कहिए मुनिवर, मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं? प्रभु, मुझे यह आपका हरि रूप चाहिए, ताकि मेरे रूप पर नीचकर राजकुमारी स्वयंवर में
केवल मेरे ही गले में वरमाला पहना है प्रभु। अच्छा, मैं आपको ये हरी रूप सहर्ष दे रहा हूं। जय श्री प्रभु। आपन रूप दे। अच्छा तो मिस मोहिनी मुझे अपना पति बना लेगी? अच्छा तुम तो बड़े समझदार हो गए हो शिष्य। चलो राजसभा चलते हैं। नारायण नारायण। अतिथियों को स्वयंवर की शर्तें सुना दीजिए और पुत्री विश्व मोहिनी को स्वयंवर में बुला लीजिए। जो आज्ञा महाराज। सम्मानीय अतिथियों, जिस राजा को राजकुमारी वरमाला पहनाएगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। यही महाराज की आज्ञा है और यही महाराज की इच्छा भी है। सभी सभासद स्थान ग्रहण करें। जो आज्ञा महाराज। बड़ा धोखा, ऐसा भयानक कृत्य।
देख लूंगा। मुझे हरि रूप देकर स्वयं स्वयंवर में आ पहुंचे देख लूंगा। स्वयं उपास का कारण बताऊं कैसे? अपना मुख देखो महाराज, क्या कहता है मुख? मुझे भगवान ने स्वयं अपना हरि रूप दिया है। पाप्य मुझे सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बताया, राम तुम्हें भोग नहीं होगा। मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुमने सब कुछ जानते हुए भी मुझे कुछ नहीं बताया, तुम दोनों भयानक राक्षस बनोगे। मर काटे बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध भाते देखत हृदय क्रोध माते ही पुनि जन दीख रूप निज पावा तदब हृदय संतोष नावा तदब हृदय संतोष नावा। मैं तुम्हें ही खोज रहा था, वारे जगत नियंता जगदीश्वर जगराज, जो मन में आया सो कर डाला, न तुम्हें किसी का डर और न तुम्हें किसी की न्याज। ये क्या कह रहे हो मुनिराज? वही जो तुमने किया है, वही जो तुम आज करते आ रहे हो, छल करके अब भोले बन रहे हो। तुम अपने आप को बड़ा बहादुर समझने लगे हो, तभी तो सारा देव लोग छोड़कर ससुराल में मुंह छुपाए पड़े रहते हो। नहीं मुनिवर, भक्तों के हृदय में रहकर उनके कल्याण की सोचता हूँ। कल्याण की या अकल्याण की? मेरे साथ धोखा करके कौन सा कल्याण कार्य किया है कल्याण करता? बोलो, उत्तर दो। इस समय आप पर क्रोध का गहरा रंग चढ़ा हुआ है, जब ये रंग उतरेगा तब आप जानेंगे कि मैंने आपका कितना बड़ा कल्याण किया है। जो जानना था सो जान लिया, आज तुम्हारी सारी कलाई खुल गई, सारा बनावट का आवरण उतर चुका है। एक मकान बैकुंठ में बनाया और एक क्षीर सागर में, और जब मैं छोटी सी कुटिया बसाने चला तो तुम उसे देखकर जल गए। मैं पूछता हूँ कि जब लक्ष्मी से सुंदर नारी तुम्हारे पास थी तो भीष्म मोहिनी से विवाह क्यों रचाया? बोलो, उत्तर दो। क्या उत्तर है इसका तुम्हारे पास? शान मुनिवर शान, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी। आप क्यों नहीं देंगी? मैं पूछता हूँ कि आप अपने पति से कुछ भी नहीं कहती, या आपके रहते हुए आपकी सौतन क्यों लेकर आए? इसलिए इसलिए कि ये सामर्थ्यशाली है, सूर्य अग्नि और सागर की भांति सामर्थ्यशाली, और सामर्थ्यशाली को कोई कुछ नहीं कह सकता। समझा, और खूब समझा। इसमें तुम दोनों का मिला जुड़ा संबंध है। मत बोलो कि अगर ये सामर्थ्यशाली है तो मुझमें भी तपोबल की शक्ति है। मत बोलो कि मैं भी काम जीत हूँ। यही तो तुम्हारी भूल है, कामजीत आप बनते हैं परंतु है नहीं। हमने आपको तथा आपके तपोबल को अच्छी तरह पहचान लिया है। तपोबल? तपोबल आपने देखा ही कहाँ है महादेवी? यदि तपोबल देख नहीं चाहती है तो देखो। शांत मुनिवर शांत, इतना आवेश में ना आओ। शांत
मुझे अशांत कर अब शांति का पाठ पढ़ाते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने मुझे पत्नी का वियोग दिया है, तुम भी पत्नी के वियोग में जंगल जंगल भटकते फिरोगे। स्वीकार है। स्वीकार करके कौन सा उपकार कर रहे हो मुझ पर? तुमने जो ये मुझे बंदर का रूप दिया है, ये बंदर ऊपर कृपा करेंगे, रक्षा करेंगे। श्रोधार है देव, क्या मेरी बात सुन सकोगे? नहीं, पराये उन्नति और संपत्ति से तुम्हें जलन है, ईर्ष्या स्वार्थ छल कपट तुम में कूट कूट कर भरा है। वे मूर्ख हैं जो तुम्हें संघर्षी और परमार्थी कहते हैं। तुम ठगे हो, चले हो, प्रपंची हो, धोखेबाज हो। कहे जाइए मुनिराज, कहे जाइए। मेरे गुण गाने वाला मुखी मेरे दोस्त बता सकता है। हाँ, मैं ही तो बता सकता और गिन गिन कर बता सकता हूँ। सागर मंथन के समय देवताओं को अमृत और भोले भाले शंकर को विष, इंद्र ब्रह्मा सूर्य आदि बड़े बड़े देवताओं को छोटी छोटी वस्तु लेकर कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को लेकर किसा गए? ऐसी बातें रास्ते में खड़े होकर नहीं करते मुनिराज। चलिए क्षीर सागर, वहाँ जो मन में आए सो कहना। यहाँ किसी ने सुन लिया तो कोई क्या कहेगा? कहेगा कहेगा क्या, यही कि दीन बंधु बनने वाले विष्णु झूठे हैं। कहेगा कि उनमें ईर्ष्या की आग भरी है। एक दिन सारा संसार आज वाला इतिहास जान लेगा कि तुम ठगे हो, छले हो, प्रपंची हो, धोखेबाज हो। ऐसा मत कहिए मुनिराज, भक्तों ने ही तो मुझे ऊंचा उठाया है, क्या उन्हीं के द्वारा मेरी निंदा होगी? यही यही तो तुम्हारे अभिमान का आधार है। इंद्र ब्रह्मा शंकर सूर्य आदि बड़े बड़े देव भक्तों ने तुम्हें चढ़ा रखा है कि तुम तो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगे हो। अगर और भी कुछ कहना है तो कह लीजिए। अब क्या मेरी बात सुन सकोगे? कहो। ब्रह्म और तपोबल का मान करने वाले साधु अब माया के रूप को पहचानो और लक्ष्मी स्वरूप विश्व मोहिनी को नमन करो। हैं? ये क्या विश्व मोहिनी, लक्ष्मी कहाँ गई? मुझ में तुम भी इन्हीं के भांति मेरे एक अंश हो। विश्व का कण कण मुझ में और मैं कण कण में हूँ। मेरा और मेरी माया का पार पाना अत्यंत कठिन है। तो क्या ये भ्रम था? क्या क्या मैं स्वप्न देख रहा था? हाँ, सारा विश्व सारा संसार एकमात्र स्वप्न ही तो है। इतना बड़ा अपराध, ऐसा भयानक कृत मैंने नारायण के दास से किया। नारायण तूने ये क्या कर डाला? लीलाधर आपने मुझे पतन से बचाया और मैंने आपको ही अपराधी मानकर साफ दे डाला। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर डाला? मुझे दंड दो, मैं अपराधी हूँ। मुझे ऐसा दंड दो कि मेरा मन कार उठे। उठिए ऋषि, शोक त्याग कर धैर्य धरिए। आपका इसमें कोई दोष नहीं। पृथ्वी पर अत्याचार अन्याय और पाप के विनाश के लिए तो मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना ही था। आपने श्राप भी मेरी इच्छा से दिया है। हे ब्रह्मपुत्र उठो। प्रभु अभी ये माया
मुझे कभी ना व्यापे। विश्व के सारे आडंबर मुझसे दूर रहे प्रभु। तथास्तु। मैच चल रहा है।